हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ये पूरी सीरीज़ जो बेसिक फोटोग्राफी कोर्स पे है वो लॉन्च कर दी है और ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर हम कैमरा सेटिंग्स कैसे सेट करने हैं उसका पहला पॉइंट एपर्चर डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये वीडियो में समझेंगे कि आप जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शटर स्पीड, उससे आप कैसे सीखेंगे और कैसे आपके कैमरा में सेट करेंगे शटर स्पीड। तो देखिए, जब हम एपर्चर की बात कर रहे थे हमने तो यही बात की थी कि आपकी कैमरा के लेंस के अंदर एक सर्कुलर ओपनिंग होगी जिसमें आप डिटरमाइन करोगे कि कितनी लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी। हाँ, कितनी लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट आपके कैमरा के अंदर आएगी वो डिसाइड करते हैं, राइट। पर अब मेरा सेकेंड पॉइंट है कि कितनी लाइट आ रही है वो तो हम लोग ने डिटरमाइन कर लिया, अब ये कितने टाइम के लिए आपके कैमरा के एंटर होगी वो आपको डिटरमाइन करना है। द अमाउंट ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय द अपर्चर, बट द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय शटर स्पीड। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी उससे हम शटर स्पीड के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो आपके सर्कुलर ओपनिंग के अंदर बहुत सारी लाइट, बहुत अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है, पर आपको चाहिए कि भाई ये बहुत सारी लाइट एंटर तो हो रही है पर तुरंत ही ये चीज़ कैप्चर हो जाए और तुरंत ही इतनी ही लाइट आपके कैमरा में एंटर हो। या तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत कम लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर हो रही है, मतलब द अमाउंट ऑफ लाइट इज़ रियली लो। तो आप क्या करोगे, आपका जो कैमरा का ड्यूरेशन है लाइट एंटर होने देने का उसको हम लोग ने बढ़ा दिया, वर्सेस अगर आपके जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा आई जा रही है तो आप क्या करोगे, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है आपने कम कर दिया। अब देखिए, अमाउंट ऑफ लाइट तो हम लोग ने पहले ही समझा था कि कैसे डिसाइड करना है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि फिर भी बहुत सारी लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर हो रही है, तो इसको हम लोग को अगर कंट्रोल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट से, कितने टाइम के लिए लाइट एंटर होगी उससे हम डिटरमाइन करेंगे। तो आपका जो ये शटर स्पीड होता है वो कैमरा की बॉडी में होता है, अपर्चर कहाँ था, लेंस के अंदर था, पर ये जो शटर स्पीड है वो कहाँ होता है, वो आपके कैमरा के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जब आप आपके कैमरा के बॉडी का जो मिरर का पार्ट है जहाँ से लाइट कैमरा के अंदर एंटर हो रही है वो देखोगे, आप समझ पाओगे कि वहाँ पे एक दरवाज़े की तरह एक शटर खड़ा है। ठीक है, जैसे ही आपने वो दरवाज़ा खोला, जैसे ही आपने खिड़की खोली, क्या होता है, बहुत सारी लाइट आपके रूम के अंदर एंटर होती है, वैसे ही आपके कैमरा के अंदर भी लाइट एंटर होगी। अगर तुरंत ही आपने वो खिड़की बंद कर दी, वो दरवाज़ा मतलब वो शटर बंद कर दिया, मतलब वो कैमरा के अंदर लाइट एंटर नहीं होगी, राइट। तो आपको ये शटर स्पीड डिटरमाइन करने के लिए उसके जो डिनोटेशंस हैं वो समझने हैं। देखिए, आपकी जो शटर स्पीड है वो ड्यूरेशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब टाइम। अब ये टाइम को आप कैसे कंसिडर करोगे, अगर आप एक सेकेंड के लिए लाइट को कैमरा के अंदर एंटर होने दे रहे हो तो वो हो गया एक सेकेंड का शटर स्पीड। पर उसके ही सामने अगर आपको चाहिए कि भाई एक सेकेंड में तो बहुत सारी लाइट एंटर हो रही है, चलो मैं इसका आधा कर देता हूँ, तो हो गया 1/2, मतलब हाफ ऑफ 1 सेकेंड आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी, 1/2। अभी आपने बोला यार फिर भी बहुत सारा लाइट कैमरा के अंदर एंटर हो रहा है, तो आपने क्या किया, 1/4। वैसे ही अब 1/4 से 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 250 पार्ट्स ऑफ 1 सेकेंड, और वो जो एक पार्ट होता है उतनी तुरंत आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी। तो जैसे जैसे आप ये 1/100 व्हाटएवर जो है वो बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके कैमरा के अंदर लाइट कम एंटर होगी। ठीक है, तो दूसरा काम शटर स्पीड का ये भी है कि जैसे जैसे आप शटर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका जो मोमेंट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रीज भी हो जाता है। अगर आप 1 सेकेंड या 1/4 सेकेंड या 1/15 सेकेंड पर भी रखते हो तो जो सब्जेक्ट है वो फ्रीज नहीं हो पाता है, आपको जो फ़ोटोज़ मिलती है वो बहुत ही शेकी मिलती है। आपको चाहिए कि आपकी फ़ोटो शार्प और फ्रीज्ड हो, तो आपको आपका शटर बढ़ाना पड़ेगा जिसके वजह से वो मोमेंट फ्रीज हो जाए।
और यही नहीं, पर जैसे जैसे आप शटर बढ़ाते हो, ऑफकोर्स आपके कैमरा में लाइट कम एंटर हो रही है और आपका वो जो सब्जेक्ट है वो आपको डार्क दिखेगा, और इसी के लिए आपको उसको एपर्चर के साथ बैलेंस करके एक राइट एक्सपोजर फोटो खींचना है। तो आपको ये सेटिंग बहुत ही इजीली समझना है। आपके कैमरा में आप इसको शटर स्पीड में जाके सेट कर सकते हो, 1 सेकेंड भी है, 30 सेकेंड भी है, 1 to 2 आवर्स का भी एक सेटिंग है जिसको हम लोग बल्ब मोड कहते हैं। आप मोड डायल में देख सकते हो, वहाँ पे एक बल्ब मोड दिया गया है जहाँ पे आप लंबे टाइम तक आपका शटर ऑन रख सकते हो। पर अगर आप उसी बल्ब मोड को शटर स्पीड में जाके सेट कर रहे हो तो 30 सेकेंड से लेके 1/8000 तक की कैपेसिटी होती है जहाँ पे आप आपका शटर स्पीड डिसाइड कर सकते हो। तो जब आप शटर स्पीड डिसाइड करते हो तो अभी तक तो आप लोगों ने जो लाइटिंग कंडीशन है उसको कंसिडर कर दिया है, पर इसके आगे हम लोग अब डिसाइड करेंगे कि आपका जो ये शटर स्पीड है उसके और दो बहुत ही डिटरमाइंड फैक्टर्स हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला होता है कि अगर सपोज़ कि सिचुएशन लाइट की बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है यार मैं तो बहुत सारी लाइट आपके कैमरा में एंटर होने दूंगा, 30 सेकेंड के लिए मैं अपना शटर ऑन कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप 30 सेकेंड के लिए आपका जो कैमरा है उसका जो शटर है उसको ऑन रखोगे, मतलब उतने टाइम तक आपके कैमरा के अंदर आप लाइट एंटर होने दोगे, तो क्या आपका हाथ नहीं हिलेगा? क्या आप 30 सेकेंड का 15 सेकेंड या 1 सेकेंड पे लेके आए, क्या आप 1 सेकेंड तक आपका हाथ नहीं हिलाओगे? आपकी जो ब्रीदिंग मूवमेंट होती है ना उसमें भी आपका हाथ हिलता है, और इससे क्या होगा, आपका कैमरा हिल जाएगा और जिसके वजह से आपको एक शेकी फ़ोटो मिलेगी। तो अगर आपको शार्प फोटोज़ खींचने हैं तो आपकी शटर स्पीड हाई होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई ऐसी फास्ट मोमेंट कैप्चर कर रहे हो तो आपको हाई शटर स्पीड की डिमांड होगी। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको हाई शटर स्पीड की डिमांड है ही नहीं, मतलब आप लैंडस्केप या प्रोडक्ट फोटोग्राफी ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हो जहां पे जो सब्जेक्ट है वो एकदम स्टिल खड़ा है और आपको तुरंत वहीं पे कैप्चर करना है, तो आप सोचोगे ठीक है तो मैं एक जो ट्राइपॉड होता है, जो स्टैंड होता है कैमरा का, वो लगा के फोटोग्राफी करूँगा तो मेरा तो कैमरा का जो हैंड शेक है वो होगा ही नहीं, मैं आराम से फोटोग्राफी कर पाऊँगा। पर क्या वो जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं हिलेगा? हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके ट्राइपॉड के साथ आप आराम से 30 सेकेंड तक आप फोटोग्राफी कर सकते हो, पर अगर जो चीता को आप कैप्चर कर रहे थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते वक्त, क्या वो चीता की जो स्पीड है वो 30 सेकेंड के लिए आपके लिए रुक जाएगी? क्या वो 1 सेकेंड के लिए भी आपके लिए रुकने वाला है? नहीं, जो मोमेंट आपको, जो वेडिंग की ब्यूटीफुल मोमेंट है या आपके फ्रेंड्स के जो फैमिली मेम्बर्स के जो मोमेंट है वो आपको तब के तब कैप्चर करना होता है, वो आपके लिए नहीं खड़े रहेंगे। आपका तो काम है कि वो स्टोरी टेलिंग मोमेंट तब के तब कैप्चर करना। तो दो सिचुएशंस है, आपका जो हैंड शेक है मतलब जो कैमरा का जो शेक है उसको आपको डिटरमाइन करना है, जो आप मे बी ट्राइपॉड के साथ उसको अचीव कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बार आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहाँ पे मोमेंट सब्जेक्ट की भी नहीं हो रही है। तो दो होता है, एक तो होता है कैमरा का शेक और दूसरा होता है सब्जेक्ट मोमेंट। तो हम ये जो तीन चीज़ें शटर स्पीड की समझ चुके हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि हर अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे शटर स्पीड डिसाइड करोगे। अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, जो डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप एक डीजे पार्टी कैप्चर कर रहे हो, डीजे पार्टी में सब लोग झूम रहे हैं, एकदम ज़ोरों शोरों से सब लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा कम लाइट है, या तो आप जो एलईडी लाइट है या फ्लैश लाइट है इसकी सारी यूटिलाइज़ करके वो फोटोग्राफी कर सकते हो, पर ठीक है आपको ये सारी लाइटिंग यूटिलाइज़ नहीं करनी है और वही सिचुएशन में उतनी ही लाइट में अगर फोटोग्राफी करनी है तो आप क्या करोगे, आपकी जो शटर स्पीड है उसको आप बढ़ा दोगे, मतलब 1/500, 1/1000 की शटर स्पीड रखोगे, तो ठीक है आपकी जो वो मोमेंट है वो कैप्चर हो जाएगी, पर उसी टाइम पे जो लाइट कैमरा के अंदर एंटर हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम लाइट एंटर हो रही है। तो आपने क्या किया, ठीक है यार तो ज़्यादा लाइट एंटर होना है ना, मुझे अमाउंट ही बढ़ाना है, मैं एपर्चर बढ़ा देता हूँ, मैं एपर्चर 1.8 ले लेता हूँ, पीछे का थोड़ा सा ब्लर होगा मुझे चलेगा, मैं एपर्चर 1.8 रख देता हूँ, पर फिर भी लाइटिंग कंडीशन इतनी कम है कि मैं चाहिए उतना राइट एक्सपोजर, जो मेरा इंटेंशन है वो मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आपके पास ये तीसरा ऑप्शन होता है, वो होता है ISO। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप ISO कैसे सेट कर सकते हो। तब तक के लिए आप ये दोनों सेटिंग्स एपर्चर और शटर स्पीड ट्राई कर सकते हो। आप चाहे अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे DM करें, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम श्योरली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड सी यू सून।